हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है कि किस समय पर कौन सा विषय और किस क्लास का चलेगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसकी जानकारी पाने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पराशरण दब के आगे बताने वाले हैं। हमने बोला था एक फार्मूला आपको निकाल कर दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि पराशरण दाब क्या होता है, उसका व्यंजक निकाल कर आपको दिखा दिया था। तो चलिए, इसका मतलब भी समझा दिया था। पी क्या है इसमें? विलायक का वाष्प दाब। और पीएस क्या है? विलयन का वाष्प दाब। ठीक, इसमें विलयन का और इसमें विलायक का वाष्प दाब। ठीक, इतना हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। चलिए, तो अब इसके आगे देखते हैं कौन सा सूत्र निकलने वाला और कैसे निकालने वाले हैं हम, आपको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है। स्मॉल एन क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या, ठीक, बराबर स्मॉल डब्लू बट्टा स्मॉल यम। ठीक, इतना आपको आ गया। और देखिए कैपिटल एन क्या है? विलायक के मोलों की संख्या, ठीक, बराबर कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल यम। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए यदि विलयन बहुत तनु हो। विलयन बहुत तनु होने का मतलब क्या होता है पता है? विलयन बहुत तनु होने का मतलब ये होता है कि जैसे कि इसमें विलेय का मात्रा बहुत कम होता है। ठीक, तो मान लीजिए स्मॉल एन क्या है? विलेय है, और प्लस कैपिटल एन इसका मात्रा बहुत कम है, तो इसको घोलेंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल एन ही आएगा। ठीक, एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल एन, समझ में आ गया? क्योंकि जो विलयन है बहुत तनु है, तनु नहीं मतलब जो विलेय की मात्रा है वो बहुत कम है। ठीक, चलिए, तो देखिए इतना आ गया। तो अभी हमने आपको पीछे ऊपर बताया था, तो देखिए उस हिसाब से देखिए पी माइनस पी एस बटा पी, ठीक, बराबर ये क्या है? अभी ऊपर बताया था ना पराशरण दाब में स्मॉल एन बटे एन प्लस कैपिटल एन, तो स्मॉल एन तो है अपनी जगह पे, ठीक, और यहाँ पे एन प्लस एन हो गया तो कैपिटल एन है, तो ये वैल्यू यहाँ रख दिए। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया, तो फिर इसके बाद जो पी माइनस पी एस बट्टा पी इज इक्वल टू स्मॉल एन की वैल्यू क्या निकालते हैं, अभी आपको ऊपर दिखा दें। देखिए अभी हम निकालते हैं स्मॉल एन की वैल्यू कितना था, स्मॉल डब्लू बट्टा स्मॉल एम, तो हम ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। ठीक, और कैपिटल एन की वैल्यू कितना आया था, कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम। ठीक, तो ये कहाँ चल जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो हम इसको हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा फार्मूला क्या होता है, पी माइनस पी एस बटा पी इज इक्वल टू स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम। ठीक, फिर कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। ठीक, समझ में आ गया आपको? चलिए, अब हम इसके बारी बारी से आपको इस सब का मतलब बता देते हैं कि ये सब होता क्या है। ठीक, तो चलिए देखिए, इसमें जो W है वो क्या है, विलेय का भार क्या है, W। ठीक, इसमें जो W है ये क्या है, विलेय का भार है। ठीक, और जो कैपिटल W है वो क्या है, विलायक का भार। ठीक, समझ में आ रहा है, विलायक का भार है। और देखिए इसमें स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम हो जाएगा विलेय का अणु भार, स्मॉल एम से दिखाएंगे। ठीक, और विलायक का अणु भार कैपिटल एम। ठीक, तो आपको इसके बारे में बारीक बारीक समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आगे दिखाते हैं आपको कि आगे क्या पढ़ना है। ठीक, तो देखिए अगली हेडिंग क्या है, क्वथनांक उन्नयन। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं एकदम डिटेल्स में क्वथनांक उन्नयन होता क्या है और कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए उन्नयन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। ठीक, तो चलिए इसका अर्थ आप समझ गए। तो चलिए अब हम इसके परिभाषा में घुसने की कोशिश करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए, जब किसी विलयन में कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। तो क्वथनांक में होने वाली यह वृद्धि, क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। ठीक,
इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया, क्वथनांक उन्नयन क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक। तो इसी घटना को क्या कहेंगे, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, ठीक। चलिए अब समझ में आ गया, ठीक। तो आपको क्वथनांक उन्नयन के बारे में पता चल गया, तो चलिए देखते हैं क्वथनांक उन्नयन और अणुभार में संबंध, रिलेशन बिटवीन क्वथनांक उन्नयन एंड, ठीक समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या संबंध होता है क्वथनांक उन्नयन और अणुभार में, ठीक। तो देखिए, चलिए तो देखते हैं क्वथनांक उन्नयन और अणुभार में क्या संबंध होता है, ठीक। तो यम मतलब क्या होता है, अणुभार, ठीक। यम बराबर 1000 केबी इंटू स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्लू, ठीक। देखिए इसमें यही संबंध होता है। तो चलिए अब हम बारी बारी से आपको समझाते हैं कि स्मॉल डब्लू का मतलब क्या होता है, केबी का मतलब क्या होता है, यम का मतलब क्या होता है, डब्लू का मतलब क्या होता है, कैपिटल और डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है, हम बारी बारी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप देखिए क्या होता है, तो देखिए इसमें स्मॉल यम का मतलब क्या होता है, अणुभार, ठीक। आप कोई कंफ्यूज मत होइएगा, अगर बाय द वे आपको कहीं मिलता है सवाल वगैरह में तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसमें क्या है, यम क्या है, अणुभार हो गया, ठीक। और ये क्या है, के बी, देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक समझ में आ गया, ये के बी है, समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए स्मॉल डब्लू क्या है, विलेय का अणुभार, किसका, विलेय का, ठीक। और डेल्टा टी बी क्या है, क्वथनांक उन्नयन। देखिए आपको जब सवाल मिलेगा कहीं, तो सवाल जब बताया जाएगा तो सवाल में आएगा कि क्वथनांक उन्नयन ज्ञात कीजिए, क्वथनांक उन्नयन का मान इतना दिया है, कुछ भी समथिंग देता रहेगा तो आपको पूछता रहेगा, तो आप इसको समझ लीजिए कि डेल्टा टी बी को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टी बी से दिखाते हैं, ठीक। और देखिए कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार, ठीक, ये भी समझ में आ गया। चलिए अब आपको इसके बारे में पता चल गया, तो चलिए अब हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, आणविक उन्नयन स्थिरांक और अणुभार में संबंध। अब देखिए पहले आपको हम ये बता देना चाहेंगे, जो आणविक लगा है, किसी भी शब्द में अगर आणविक लग जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, 1000 की जगह पे 100 हो जाता है, ठीक। अगर आप ये ट्रिक याद रखते हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, चाहे अवनमन हो चाहे उन्नयन हो, लेकिन आणविक उन्नयन लग गया है तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या संबंध होता है, स्मॉल एम बराबर 100 के डब्लू, ठीक, इन अपॉन डेल्टा टी और कैपिटल डब्लू, ठीक। तो चलिए अब इसके बारे में हम बारी बारी से आपको बता देते हैं, इसको भी समझ लीजिए क्या होता है। तो देखिए इसमें होता है के का मतलब होता है आणविक उन्नयन स्थिरांक, ठीक, के को स्थिरांक कहते हैं आणविक उन्नयन का, ठीक है, ये समझ में आ गया। और देखिए स्मॉल डब्लू का मतलब क्या होता है, अणुभार, ठीक, और नहीं स्मॉल यम का मतलब होता है अणुभार, ठीक, और स्मॉल डब्लू का मतलब विलेय का भार, ठीक, और ये क्या है, डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब क्वथनांक उन्नयन, ठीक, और जो कैपिटल डब्लू होता है उसका क्या होता है, विलायक का भार। देखिए इधर लिखे हम इसको, जगह नहीं था, ठीक है। तो कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, विलायक का भार, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब समझ में आ गया अच्छे से, तो चलिए अब हम अगला हेडिंग देखते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया पिछला पॉइंट, तो देखिए आगे क्या, कौन सा हेडिंग है, अगला हेडिंग है हिमांक अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है, घटना, ठीक। तो आप इस शब्द में घुसेंगे तो आपको अर्थ निकल जाएगा, फिर उसके बाद परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा लगने लगेगा, ठीक है। देखिए अब हम इसमें इस शब्द में घुसने जा रहे हैं ताकि परिभाषा आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। हिमांक अवनमन, अवनमन मतलब घटना, क्या घटेगा, हिमांक, ठीक। तो चलिए परिभाषा देखते हैं पहले, देखिए जब किसी विलायक में, ठीक, क्या, किसमें, विलायक में, ठीक है, जब किसी विलायक में कोई अपद्रव्य या अशुद्धि भी मिलाया जाता है तो उसका हिमांक घट जाता है। देखिए अवनमन का मतलब क्या होता है, घटना, क्या घट रहा है, हिमांक, ठीक, तो उसका हिमांक घट जाता है, यह घटना हिमांक अवनमन कहलाता है, समझ में आ गया।
समझ में आ गया होगा। अब तो सब शब्द से ही हमने खोल दिया तो आपको परिभाषा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, आ गया तो चलिए आगे देखते हैं। अगला हेडिंग है मोलल अवनमन स्थिरांक और अणु भार में संबंध, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या संबंध होता है। ये क्या है, यम, यम मतलब अणु भार, यम बराबर, देखिए इसमें क्या है, मोलल लग गया, आणविक लगता तो 100 हो जाता, तो यहां क्या लग गया है, मोलल, तो बात 1000 में होगी, ठीक। देखिए क्या हो जाएगा, 1000 केएफ, केएफ मतलब, ये अभी हम आपको बताएंगे नीचे क्या है केएफ के बारे में, 1000 केएफ इंटू डब्लू स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा टीएफ इंटू कैपिटल डब्लू, ठीक। तो चलिए हम बारी बारी से समझ लेते हैं कि सबका मतलब क्या होता है, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। इसमें स्मॉल डब्लू क्या है, स्मॉल एम क्या है, अड़ुभार है, ठीक, ये समझ में आ गया। तो देखिए और केएफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है, इससे किस इसको किससे दिखाते हैं, केएफ से दिखाते हैं, ठीक समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला क्या है, डब्लू स्मॉल डब्लू क्या है, विलेय का भार, ठीक है। हम इसको बारी बारी से आपको इस बार बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अगर नोट भी ना करें तो आपको याद हो जाए एक बार, ठीक है। तो इसलिए हम हर फार्मूले पे जो भी मतलब आता है उसको आपको बताते चल रहे हैं। देखिए अभी हमने स्मॉल डब्लू का मतलब एक बार नहीं, हमको तो लगता है कि 2-3 बार बता ही चुके होंगे, तो आप लोग को तो याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो स्मॉल डब्लू मतलब होता है विलेय का भार, ठीक समझ में आ गया। और ये क्या है, डेल्टा टीएफ, इसका मतलब होता है हिमांक अवनमन, ठीक यही है हिमांक अवनमन। और क्या है, कैपिटल डब्लू क्या है, विलायक का भार, देखिए इसको भी हमने कितनी बार बता दिया, एक बार फिर बता दिया आपको, तो आप समझ गए होंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, अगला हेडिंग है आणविक अवनमन स्थिरांक और अणु भार में संबंध। अब देखिए वहां मोलल था तो 1000 में बात हो रही थी, लेकिन यहां जैसे ही आणविक लग गया यहां 100 घुस चुके हैं, ठीक। देखिए 100 में बात होगी, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यम बराबर 100 के इंटू स्मॉल डब्लू बट्टे डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्लू, ठीक। तो इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए ताकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो आप इसको कहीं नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए बारी बारी से इसके मतलब भी समझ लेते हैं, इसके मतलब क्या होता है। तो यम का मतलब क्या होता है, अड़ुभार होता है इसमें भी, ठीक। और के का मतलब आणविक अवनमन स्थिरांक, और स्मॉल डब्लू का मतलब विलेय का भार, और डेल्टा टी का मतलब हिमांक अवनमन, ठीक समझ आ गया तीनों। और कैपिटल डब्ल्यू का मतलब तो आपको बताया जा रहा है, विलायक का भार, ठीक समझ में आ गया। चलिए तो अब आपको आणविक अवनमन स्थिरांक और अणुभार में संबंध समझ में आ गया। तो चलिए अगली टॉपिक देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है और उसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक ठीक। तो आपको हमने बता दिया संबंध किसमें क्या होता है, तो अब देखते हैं अगला क्या है, एक बाबू साहब का नियम है, मतलब इसे क्या कहते हैं, हेनरी का नियम, ठीक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि ये नियम है किसी का तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए हेनरी का नियम क्या था, स्थिर ताप पर, ताप क्या होगा, स्थिर होगा मतलब रुका होगा, ठीक, स्थिर ताप पर किसी विलायक के, विलायक तो आप समझ रहे होंगे, हमने बताया था पीछे आपको, किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान क्या हो, एकांक मतलब एक हो, ठीक, एकांक द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा, ठीक, गैस के दाब के समानुपाती होता है, ठीक। इस नियम को क्या कहते हैं, यही नियम हेनरी का नियम कहलाता है, ठीक। तो चलिए अब इसके सूत्र को देखते हैं, आपको परिभाषा समझ आ गया होगा, आ गया हेनरी का नियम क्या होता है, वो तो हमने आपको समझा दिया तो आप समझ गए होंगे, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है, तो जो द्रव्यमान है वो समानुपाती है किसके, पी, यानी पी का मतलब गैस, ठीक है, प्रेशर,
प्रेशर मतलब दाब। तो एकदम ये क्या है, एकांश द्रव्यमान किसके समानुपाती है, प्रेशर यानी दाब के। ठीक, तो देखिए समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, स्थिरांक मतलब कांस्टेंट कह सकते हैं, तो लग जाएगा तो क्या लगेगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा के एच इंटू पी। ठीक, तो ये क्या हो गया, स्थिरांक। तो अब देखिए जब हम यहाँ से के एच का मान निकालेंगे, इसी को हेनरी नियतांक कहते हैं। ठीक, समझ आ रहा होगा आपको। तो देखिए जब ये के एच हम यहाँ रोकेंगे तो ये पी कहाँ चला जाएगा, डब्ल्यू भाई साहब के पैर के नीचे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बट्टा पी, तो के एच बराबर डब्ल्यू बट्टा पी। तो आप हेनरी के नियम अनुसार कह सकते हैं कि हेनरी का नियम क्या होता है, के एच बराबर डब्ल्यू बट्टा पी। तो चलिए अब हम आपको ये बता दें कि इसमें के एच का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है। ठीक, तो चलिए आप ध्यान से देखिए, अब हम आपको बारी बारी से समझाने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब क्या है, गैस की मात्रा। ठीक, समझ में आ रहा है आपको, चलिए ये समझ में आ गया। और देखिए डब्ल्यू हो गया गैस की मात्रा और पी क्या है, प्रेशर कहते हैं इसको, इसलिए दाब। ठीक, प्रेशर मतलब दाब, तो इसको दाब को पी से दिखाते हैं। और ये के एच क्या है, इसमें हेनरी नियतांक। ठीक, समझ में आ गया आपको, आप निकाल सकते हैं अपने से भी, अगर आप परिभाषा याद रखते हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, तो आप निकाल के दिखा सकते हैं। ठीक, चलिए हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो और वीडियो ध्यान से देखिए और पूरा पूरा देखेंगे तो बिल्कुल एक सीरियल वाइज से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने आपको हेनरी नियतांक के बारे में बता दिया। अब देखिए क्या है, हेनरी के नियम की सीमाएं, देखिए इनकी क्या क्या सीमा है, कहाँ तक ये जा सकते हैं, क्या क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए पहला क्या है, गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। ठीक, जो गैस का दाब है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए एक तरफ से। ठीक है, ये इनकी क्या है, सीमा है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक सीमा होता है ना आपस में रहने का, तो ठीक उसी का भी, इसका भी है, गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, क्या उसका सीमा है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए और दूसरा क्या है, इसको देखिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। अब बात आती है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और इसमें ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब इनके इनके बहुत क्या कहते हैं, एक तरफ से बहुत दबाए जा रहे हैं, ना तो ज्यादा हो सकते हैं ना तो इधर से कम हो सकते हैं। ठीक ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, विलायक गैस की आणविक अवस्था नहीं बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। ठीक, तो आप ये तीनों सीमाएं की याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको हेनरी के नियम के बारे में बताया गया, तो ये हेनरी के नियम के बारे में आप ज्यादा पॉइंट तो नहीं है, तीन ही पॉइंट है, अगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक, आपको काम ही देगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हेनरी के नियम की सीमाएं बता दी, अब हम हेनरी के नियम के उपयोग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो चलिए आप वीडियो देखते रहिए, हम आपको उसके बारे में भी बता रहे हैं। चलिए तो देखते हैं क्या पॉइंट है अगला, हेनरी के नियम का उपयोग। ठीक है, तो देखिए जो हेनरी का नियम था उसके क्या क्या उपयोग थे, हम उसके दो ही पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, पहला पॉइंट है, इस नियम का उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में होता है। ठीक ठीक, किसमें किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक पीने में, मतलब समझ रहे हैं ना आप, तो गर्मी का माहौल चल रहा है, आप लोग तो समझ रहे होंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में इसका, इस नियम का उपयोग होता है। ठीक, जैसे कोको कोला हो गया, और भी होते होंगे ब्रांड, आप लोग तो जानते होंगे। ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक में बनाने में होता है। ठीक, तो चलिए इसका पहला उपयोग हो गया, अब देखते हैं दूसरा उपयोग क्या है। दूसरा उपयोग है, गहरे समुद्र में गोताखोर श्वसन के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, हेनरी के नियम का ही उपयोग होता है, श्वसन लेने के लिए, सांस लेने के लिए। ठीक है, जो गोताखोर होते हैं समुद्रों में, देखते हैं आप पानी के अंदर चलने वाले होते हैं, तो उनको क्या होता है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण दिया जाता है हेनरी के नियम के अनुसार। ठीक, समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, और इसके बारे में आपसे बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखिए क्या है, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। अब आ गया अणुसंख्य गुणधर्म होता क्या है। ठीक, तो चलिए आप पहले इसको देखिए ध्यान से क्या होता है। तो देखिए किसी विलयन में ऐसे गुण
ठीक, वो वाला गुड़ नहीं जो खाने वाला होता है, इसमें दूसरा गुड़ है प्रॉपर्टीज को कहते हैं। ठीक है, तो किसी विलयन में ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक, और उसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। समझ में आ गया? चलिए तो देखते हैं विलयन के अणुसंघ गुणधर्म के बारे में, हमने आपको बता दिया। तो देखिए एग्जांपल के हिसाब से लेते हैं तो क्या क्या आते हैं इसमें, जैसे परासरण दाब, ठीक, और वाष्प दाब में अवनमन, समझ आ रहा है, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक, और हिमांक में अवनमन एटसेट्रा, ठीक, आदि। तो जैसे हम इन सबको कह सकते हैं कि विलयन के अणुसंघ गुणधर्म हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो चलिए अब ये समझ में आ गया तो अब हम अगली पॉइंट देखते हैं, समायन प्रभाव। ये समायन प्रभाव क्या होता है तो अब हम आपको इसके बारे में खोल के दिखाने वाले हैं। तो चलिए देखिए, किसी विलयन में समान आयनों की उपस्थिति में विलेय पदार्थ की विलेयता घट जाती है, इस प्रभाव को समायन प्रभाव कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो समायन प्रभाव किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं, किसी विलयन में समान आयनों की उपस्थिति में विलेय पदार्थ की विलेयता घट जाती है, इस प्रकार के प्रभाव को समायन प्रभाव कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, जल में AgCl की विलेयता NaCl की उपस्थिति में घट जाती है। ठीक, इसमें क्या बात थी, विलेयता घटने की, तो इसमें विलेयता घट रही है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसमें समायन प्रभाव होगा। ठीक, समझ में आ गया? चलिए तो समझ में आ गया तो अब अगले हेडिंग देखते हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं अगला हेडिंग क्या है, समपरासारी विलयन। अब भाई बात आती है समपरासारी विलयन होता क्या है, इसके बारे में पहली बार सुन रहे हैं आप, तो चलिए पहले इसके शब्द में घुसने की कोशिश करते हैं ताकि आपको परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। ठीक, तो चलिए घुसते हैं पहले शब्द में। सम मतलब समान, परासारी मतलब परासरण दाब। ठीक, घुस गए, देखिए टूट गए ना, तो क्या हो गया, समान परासरण दाब, ये तो घुस गए इसमें, टूट गए। अब विलयन तो जानते ही हैं आप, तो चलिए अब इसके परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं, ठीक, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम इसके हिसाब से एक फार्मूला देख लेते हैं, समपरासारी विलयन कैसे होता है। तो देखिए मान लीजिए T1 बराबर T2, ठीक, और P1 बराबर P2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, देखिए N1 V1 बराबर N2 V2, समझ में आ रहा है आपको? ठीक, ये होता है, तो देखिए N1 बराबर क्या हो जाएगा, N क्या है इसमें, N होता है जैसे कि विलेय के मोलों की संख्या, तो यहाँ N है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल W1 बटे स्मॉल M1, ठीक है, हो गया। तो देखिए ये हो गया, और देखिए स्मॉल N2 बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल W2 बटे स्मॉल M2, तो ये वैल्यू दोनों हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप इसको पुट करेंगे, N2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे और N1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो आपको मिलेगा क्या, तो देखिए आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा स्मॉल W1 V1 बटा M1, ठीक, इज इक्वल टू W2 V2 बटे M2, ठीक, तो ये आपको फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो एक विलयन के बारे में और बात करते हैं हम। ठीक, तो देखिए क्या होता है एक विलयन, समदाबी विलयन। अब देखिए पहले इसके शब्द में घुसने की कोशिश कीजिए ताकि आपको परिभाषा एकदम स्पष्ट हो सके। समदाबी, सम मतलब समान, दाबी मतलब दाब। ठीक, तो चलिए अब हम परिभाषा बताते हैं। देखिए ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान वाष्प दाब प्रदर्शित करते हैं, समदाबी विलयन कहलाते हैं। ठीक, ऐसे विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जा तो परासरण की क्रिया नहीं होती है। ठीक, समझ में आ गया? चलिए नहीं समझ में आया तो एक बार हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए, ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान वाष्प दाब प्रदर्शित करते हैं, समदाबी विलयन कहलाते हैं। ठीक, ऐसे विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाए तो
परासरण की क्रिया नहीं होती, परासरण की क्रिया नहीं होती है। ठीक, समझ में आ रहा है आपको। चलिए तो अब समदाबी विलयन हो गया, तो अब देखते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो सके ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। तो कल ये वीडियो हम ख़त्म कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसा लगा, ताकि हम और वीडियो आपको दे सकें। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो कल ये वीडियो हम ख़त्म करने वाले हैं, इसके आगे कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, उसको हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।